नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हो kingcroft.com। जी हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट प्रोसेस, ढेर सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो इसी वैकेंसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। क्या है IBPS RRB 9 ऑफिस असिस्टेंट रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर 4614 पोस्ट निकले हुए हैं, तो इन सारी बातों पर मैं बात करूंगा। इस पोस्ट के ऊपर कि इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे, इसके इंपॉर्टेंट लिंक्स हमें कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा kingcroft.com पर, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दो यार वीडियो को प्लीज। और हाँ, अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दो। तो आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन बिगिनिंग डेट क्या है, 1/7/2020 से, और लास्ट डेट क्या है, 21/7/2020। लास्ट डेट फीस जमा करने की लास्ट डेट क्या है, 21/7/2020। एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा अगस्त 2020 में, और एग्जामिनेशन डेट सितंबर अक्टूबर 2020 में मिल जाएगा। और जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो अक्टूबर 2020 तक में आपको डिक्लेयर हो जाएगा। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब एप्लीकेशन फीस आइए देख लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को ₹850 देना पड़ेगा, SC ST PH वालों को ₹150 में इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। पैसा कैसे जमा करेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के थ्रू। एज लिमिटेशन क्या है, 1/7/2020 से मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 28 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो आपको कैटेगरी वाइज छूट मिलेगी आप नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के ऊपर। तो क्या है वैकेंसी का नाम, क्या है ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। ठीक है, यहाँ पर जनरल के लिए 1956 है, ओबीसी के लिए 1095, ईडब्ल्यूएस के लिए 316, एससी के लिए 811, एसटी के लिए 426, टोटल पोस्ट 4614। ठीक है, तो इन्हीं पोस्टों में आप कैटेगरी वाइज आप फाइट करेंगे। इस पोस्ट के लिए जो आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता है होनी चाहिए, वो क्या है, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, और स्थानीय लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। और क्या है IBPS RSS ऑफिस असिस्टेंट बैंक वाइस रिक्त विवरण चेकआउट ऑन नोटिफिकेशन। इसके बारे में जो भी जानना है आप नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं उस वेबसाइट के बारे में जहां से इस फॉर्म को हम भरेंगे, इसके नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो मैं पहले से बता दूं, यहां पर मैंने आपको बता दिया था कि इस फॉर्म का बिगिनिंग स्टार्ट डेट कब होगा, 1/7/2020 से, 1/7/2020 से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आज की डेट में हम, अगर आप मेरे कंप्यूटर पर देखेंगे तो आज की डेट है 30/6/2020, यानी कल से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो पहली चीज बता दूं, इस ऑफिशियल जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ इस वेबसाइट के माध्यम से दे रहा हूँ, इसका ऑनर मैं नहीं हूँ, यही वेबसाइट है। तो आप इस वेबसाइट को क्लिक कर सकते हैं। वेबसाइट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वेबसाइट के ऊपर आप पहुंच जाएंगे। तो ये रही वेबसाइट। वेबसाइट के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ नोटिफिकेशन पे, इसके व्यू एडवर्टीजमेंट पे। तो सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, क्लिक हेयर टू व्यू एडवर्टीजमेंट। अब आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। अब इस पे मैं सारी चीजें नहीं बताऊंगा, बस कुछ बिंदुओं के ऊपर मैं बात करूंगा। तो इसको स्क्रॉल कर लीजिए। स्क्रॉल करने के बाद पेज नंबर 3 पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए नेशनैलिटी के जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आप इसको पूरा पढ़ लेना। ठीक है, सिटीजन आप इंडियन होने चाहिए, सब्जेक्ट नेपाल वगैरह जो भी है आप पढ़ लेना। अब एज क्या है, एज मैंने पहले ही बता दिया था, 1/7/2020 से काउंट होगा। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं, 1, 2, 3, 4 इसी नोटिफिकेशन में मैं जिस पोस्ट की बात कर रहा हूँ, फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। ठीक है, इन सारी चीजों के ऊपर, तो ऊपर से तीन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये चौथे की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब आइए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आपका बिटवीन क्या है, 18 से 28 साल होना चाहिए, आप जो बॉर्न हो, आप होने चाहिए 2/7/2092 से लेके 1/7/2002 के बीच में आप होने चाहिए। उसके बाद जो आपको शेड्यूल कास्ट वगैरह ये सारी चीजें हैं यहाँ पर देखिए आपको छूट मिल जाएगी। उसके बाद आप आइए यहाँ पर पेज नंबर पे, अगर आप आएंगे पेज नंबर 22 पे, ठीक है,
मैं मोटा मोटा सारी चीजें को आपको पकड़ाने की कोशिश करूंगा। पेज नंबर 22 पे, अभी हम 17 पे हैं। हाँ, यहां पर पेज नंबर 22 पे अगर आप आएंगे देखेंगे तो मेन इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर डेट क्या है जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, 1/7/2020। तो आप फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, क्या डेट होनी चाहिए, ऑनलाइन कैसे एग्जाम कब होगा, इसकी डेट बिगिनिंग डेट कब होगी, ठीक है। ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्या है, सितंबर अक्टूबर के माध्यम से होगा, ठीक है। डाउनलोड ऑल कॉल लेटर वगैरह और एग्जामिनेशन प्राइमरी जो भी चीजें हैं अगस्त में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सारी चीजों को आप बहुत ही प्यार से आराम से पढ़ लीजिएगा। इन केस कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करें और कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं। अब ऑफिस असिस्टेंट के बारे में ही मैं बताऊंगा, मल्टीपर्पज के माध्यम से जो बैंक से रिलेटेड पोस्ट है, ठीक है, जो स्टेट वाइज बैंक है उसके अकॉर्डिंग जो 4000 कुछ समथिंग वैकेंसीज हैं उसके, देखिए आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, असम हो गया, बिहार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, इसके अकॉर्डिंग एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल वालों के लिए जो भी है आप यहां पर देख सकते हैं कितनी क्या क्या कितनी पोस्टें हैं। तो इन सारी चीजों को आप यहां से पढ़ लेना। इसके अलावा और भी बहुत से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिंदुए हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ पर जो सिलेबस वगैरह है इसको भी आप आराम से पढ़ लेना। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना, तो इस टाइप से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अब इसको कर देता हूँ बंद। तो ये रही वेबसाइट और ये रहा आपका नोटिफिकेशन। हाँ, एडमिट का जो आप इस फॉर्म को भरेंगे वो कल से भरेंगे तो यहीं पे आपको मिल जाएगा फॉर्म भरने का। और अगर नहीं समझ में आता आप वेबसाइट के माध्यम से तो आप प्लीज मुझे कमेंट करना मेरे मैं अपने ट्विटर अकाउंट पर और अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, हर जगह मैं उस लिंक को कल शेयर कर दूंगा। तो आप वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं डायरेक्टली अगर आपको वेबसाइट के माध्यम से क्लियर नहीं होता तो लिंक यहां पर मैं दे दिया हूं, देखिए लिंक एक्टिव ऑन 1/7/2020। अब आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद एक और चीज मैं दिखा देता हूँ, डाउनलोड नोटिफिकेशन। इस डाउनलोड नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। तो डाउनलोड नोटिफिकेशन आप यहाँ से सेम ही चीज जो भी मैंने अभी आपको बताया था वो डाउनलोड आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इन दोनों चीजों को मैं यहाँ से कर देता हूँ बंद। अब आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एक्टिव लिंक के ऊपर जो मैंने क्लिक किया था ये खुल गया है। अब आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेम ही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगा। तो आपको यहीं से आप रजिस्ट्रेशन भी कल को आप कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कल ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्शन नहीं मिलता तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे और मैं वहां से आपको लिंक वगैरह शेयर करा दूंगा मेरे ट्विटर अकाउंट से या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, जो कि मैं सारे लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज दिखा देता हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाते हैं तो ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल। अब आप यहां पर मेरी वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको सारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। या फिर ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर लेंगे, वहां पर कोई भी क्वेरी करेंगे मैं आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से बता दूंगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और आ गई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो कि यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं छोटे छोटे फॉर्म में, आप यहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।